हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ होता है जो हमारे ट्रेन के इंजन के छत पे लगा होता है। तो हम देखेंगे इसकी वर्किंग किस तरह से होती है, ये कार्य कैसे करता है और ये होता कहाँ है। पेंटोग्राफ की बात करेंगे तो पेंटोग्राफ आपके छतों पे जितने भी रेलवे ट्रैक हैं, रेलवे इंजन हैं, उनकी छतों पर लगा होता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक रूफ है किसी भी इंजन का, उसके ऊपर ये लगा है जिसे पेंटोग्राफ कहते हैं। पेंटोग्राफ में एक पैन होता है, एक रूफ होता है, इंसुलेटर और स्प्रिंग लगी होती है पेंटोग्राफ। और इसके साथ साथ इसमें प्रेशराइज्ड भी लगा होता है। अगर हम बात करें, पेंटोग्राफ इज एम्प्लॉयड इन रेलवे फॉर कलेक्शन द करेंट वेयर द ऑपरेटिंग स्पीड इज हाई टू 100 to 130 किलोमीटर पर आवर एंड द करेंट इज 200-300 एम्पियर। अगर हम इसके उपयोग की बात करेंगे तो पेंटोग्राफ करंट को एकत्र करता है इंजन को रन कराने के लिए, क्योंकि हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन और इंजन के बीच में गैप होता है, तो उससे कनेक्शन पेंटोग्राफ के थ्रू किया जाता है। जब तक पेंटोग्राफ की ज़रूरत होती है, हमें करंट की ज़रूरत होती है, तब तक उसको ओवरहेड लाइन से कनेक्ट करते हैं, अदरवाइज उसे हम रिमूव कर देते हैं। हम बात करें ऑपरेटिंग स्पीड की, तो पेंटोग्राफ की ऑपरेटिंग स्पीड 100 to 130 किलोमीटर पर आवर होती है और धारा 200 से 2000-3000 एम्पियर होती है, लेकिन इसका यूज हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब पेंटोग्राफ किसी भी रेलवे इंजन की छत पर लगाया जाता है जो ओवरहेड वायर से को कनेक्ट करता है स्लाइडिंग स्क्रूज के साथ। स्लाइडिंग स्क्रूज का मतलब होता है कि पेंटोग्राफ का सबसे ऊपरी पोर्शन जो होता है उसे स्लाइडिंग स्क्रूज कहते हैं, जो अप और डाउन करता है, जो ओवरहेड लाइन से कनेक्टिविटी देता है। और इसे कनेक्ट करने के लिए इसमें प्रेशर इंक्रीज किया जाता है और वह प्रेशर 15 to 15 kg होता है। 5 से 15 kg का प्रेशर होता है। उस प्रेशर को जब हम प्रेशराइज करते हैं पेंटोग्राफ अप और डाउन होता है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई 1.2 मीटर होती है। इससे लंबा पेंटोग्राफ यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ओवरहेड लाइन से इंजन तक के लिए कनेक्टिविटी लाने के लिए 1.2 मीटर से ज़्यादा का यूज़ करेंगे तो उसमें लॉसेज होंगे, क्योंकि 25 kV की लाइन जब हम ऊपर से नीचे इंजन को प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें अगर पाथ लंबा है तो उसमें लॉसेज बढ़ जाएंगे। इसलिए इसका मैक्सिमम लंबाई 1.2 मीटर होती है। और पेंटोग्राफ को अप और डाउन करने के लिए हमें पता है 5 to 15 kg तक का प्रेशर यूज़ किया जाता है, जिसमें एक प्रेशर वेसल होता है जिसमें प्रेशर बनाया जाता है एयर के थ्रू। अगर हम भाई फिगर देखेंगे तो एक हमारा पेंटोग्राफ है सिंपल सा, जिसमें आप देख रहे हैं इंसुलेटर लगा है। इंसुलेटर इसमें इसलिए लगा होता है, ये है आपके ट्रेन की छत, इंजन की छत होती है रूफ। रूफ पे हम 4 इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर इसलिए लगाते हैं, अगर हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं, हमारा करंट पेंटोग्राफ से आ रहा है इंजन में, तो उस कंडीशन में अगर डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा तो करंट हमारे इंजन की बोगियों और इंजन में उतर सकता है, जिससे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन लॉ इरर हो या कोई भी इरर की वजह से। तो इसलिए इसमें इंसुलेटर लगाया जाता है, ताकि इंसुलेटर के थ्रू वह इंजन के ट्रांसफार्मर में सप्लाई दे सके और छतों पे उसका कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले रूफ पे इंसुलेटर लगता है, इंसुलेटर के बाद रूफ होती है, जिसे पेंटोग्राफ का भी रूफ कह सकते हैं। उससे हम कनेक्टिविटी देते हैं पेंटोग्राफ के ऊपर का पोर्शन का। तो इसमें इस कनेक्टिविटी के बाद आपका पैन होता है। पैन जो होता है वो सप्लाई को आदान प्रदान करता है। ये आपकी पैन होती है और ये ओवरहेड लाइन होती है। ओवरहेड लाइन हमारी ऐसे जाती है, जब हम इसको अप करेंगे तो ये इससे टच हो जाती है और सप्लाई हमारी आने लगती है इंजन में। जब हमें इसे रिमूव करना होता है तो पेंटोग्राफ के ऊपर एक बॉक्स बना होता है गोला, जहाँ पे प्रेशर जनरेट किया जाता है उसी प्रेशर से हम पेंटो को पैन को ऊपर उठाते हैं और नीचे उठा करते हैं। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट ख़त्म होती है, हम उस पैन को नीचे कर देते हैं और हमारी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो पेंटोग्राफ आपके समझ में आ गया होता कि पेंटोग्राफ होता क्या है। पेंटोग्राफ इंजन के मेन होता है, जो इंजन को सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से इंजन के ट्रांसफार्मर को सप्लाई देता है, जिससे हमारा इंजन रन होता है। पेंटोग्राफ की हाई जो स्पीड होती है 100 to 130 किलोमीटर पर हावर होती है, उसमें यह 200 से 300 एम्पियर की सप्लाई दे सकता है और यह इससे ज़्यादा किलोमीटर स्पीड पर और इससे ज़्यादा करंट की सप्लाई भी दे सकता है। पेंटोग्राफ हमारे स्लब माउंटेड होता है रूफ पर, व्हीकल के जो भी व्हीकल है, रेलवे ट्रैक्शन में ये बात कर रहे हैं तो रेलवे ट्रैक्शन का जो इंजन है उसकी व्हीकल पर लगा होता है और वह स्लाइडिंग शो के दो ओवरहेड ट्रॉली को कैरी करता है। मतलब अगर आप लोकल ट्रेनें वैसे देख लो, उसमें कनेक्टिविटी के लिए एक त्रिकोण एक
आपको देखते हो इंजन के ऊपर एक चीज़ लगी होती है, उस इंजन के ऊपर का जो पोर्शन होता है, तो आप कभी ध्यान से देखिए कि इंजन के ऊपर का पोर्शन हमेशा वायर से कनेक्ट रहता है, और जब ट्रेन खड़ी रहती है या ट्रेन कहीं लंबे टाइम के लिए खड़ी है तो वो वहाँ नहीं टच करता है। तो यही हमारा पेंटोग्राफ होता है, वो इंजन को कनेक्टिविटी कराता है सप्लाई से, मतलब ओवर हेड जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उससे इंजन को सप्लाई प्रोवाइड कराता है, उसे पेंटोग्राफ कहते हैं। ये तो आपने देखा कि पेंटोग्राफ क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपसे कि इलेक्ट्रिकल ब्लॉक डायग्राम ऑफ लोकोमोटिव, अगर एक लोकोमोटिव है उसको आप ब्लॉक डायग्राम के रूप में देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं। तो ये एक आपका लोकोमोटिव सेट है, मतलब एक इंजन है, ये पूरा आप देख रहे हैं इंजन, ये एक इंजन है, ये इंजन की छत है और ये इंजन के चारों तरफ का पोर्शन है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा जो सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन करेगा, रेक्टिफायर लगा होगा जो जो सप्लाई आ रही एसी या डीसी उसे रेक्टिफाई करती है, मतलब उसमें जो नॉइस या रिफल्स उपस्थित होते हैं उसको रिमूव करती है। देन इसमें स्मूथिंग चोक लगा होता है, स्मूथिंग चोक उस चीज़ को स्मूथ करता है और उसकी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है किसको, ड्राइविंग व्हील को। आपके ड्राइविंग व्हील ये हैं, आप देखते हैं ड्राइविंग व्हील, उसमें पहिए लगे होते हैं, जो पहिए होते हैं उन्हीं को ड्राइविंग व्हील कहते हैं। तो ये पहिए में सप्लाई आएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, ऊपर से बात करते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा आसानी होगी। ये आपकी ओवरहेड लाइन है, एक ओवरहेड लाइन है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन या ओवरहेड लाइन जिससे हमें सप्लाई प्रोवाइड करवाना है किसको, लोकोमोटिव को। ओवरहेड कंडक्टर है, कंडक्टर में हम पेंटो के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ये आपका पेंटोग्राफ है। अभी मैंने आपको समझाया पेंटोग्राफ करता क्या है, पेंटोग्राफ इसके छत के रूफ पर लगा है, रूफ पर लगा है, इंसुलेटर कनेक्ट है। तो पेंटोग्राफ जब हमारा आया, यहाँ से हमारी सप्लाई आएगी, सप्लाई हमारी आएगी सबसे पहले सर्किट ब्रेकर में, फिर आएगी सर्किट ब्रेकर के बाद सीधा हमारी सप्लाई आएगी ट्रांसफार्मर में, सर्किट ब्रेकर के बाद इंसुलेटर दो लगे होते हैं, इंसुलेटर इसलिए लगे होते हैं सर्किट ब्रेकर से जब सप्लाई आती है तो वो डायरेक्ट नहीं दी जाती है कि हम इस वायर को सीधा ऐसे कनेक्ट, नहीं, इंसुलेटर लगा के उसे ये एक पर्टिकुलर पाथ प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि यह ओवरहेड लाइन है। ट्रेन हमारी रनिंग कंडीशन में रहती है, कभी 100 किलोमीटर पर आवर, कभी 200, कभी 150, कभी 250 किलोमीटर पर आवर, कभी 20 किलोमीटर पर आवर। तो उस बेस पे अगर वायर हम डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो हमारी लॉसेस हो सकते हैं, हवा के थ्रू वायर इधर उधर जा सकते हैं, तो इसलिए इसमें इंसुलेटर लगा के इसे प्रॉपर कनेक्ट किया जाता है हमारे ट्रांसफार्मर से। अब जब सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर के पास आ गई, आपको पता है हमारी ओवरहेड कंडक्टर हो गया, वहाँ से पेंटोग्राफ से सप्लाई आई, वो सर्किट ब्रेकर से होते हुए ट्रांसफार्मर पर आई। अब सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर पर आ गई है, ट्रांसफार्मर पर जैसे ही आएगी ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन जो भी यूज कर रहे हो वो करेगा, तो उसके बाद वह सप्लाई को रेक्टिफायर में भेजेगा, रेक्टिफायर उस सप्लाई को में उपस्थित रिपेल्स नॉइज या जो भी हार्मफुल इफेक्ट होगा उसको रिमूव करेगा और स्मूथिंग चोक के थ्रू उसको ड्राइविंग व्हील में प्रोवाइड करवा देगा। ड्राइविंग व्हील में जैसे ही हमारी एनर्जी आएगी, तो ड्राइविंग व्हील में हमारा डीसी सीरीज मोटर का लगा होता है, ये आपका डीसी सीरीज मोटर है, स्मूथिंग से आया, ये एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, अगर और ज़्यादा ड्राइविंग व्हील है तो और उसमें कनेक्शन जाएंगे। यहाँ पे आया हमारा जो डीसी सीरीज मोटर है, इसको सप्लाई मिली, ये रोटेट करना, जैसे ये रोटेट करेगा ट्रेनें आपकी इस तरह से रोटेट करना शुरू कर देंगी, क्योंकि इन सब का कनेक्शन होता है, ये जब इस रोटेट करना शुरू करेंगी तो यह ट्रेन आगे या पीछे जाएगी, और सबसे नीचे आपका रेलवे ट्रैक होता है जिस पर ये व्हील खड़ा होता है। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है लोकोमोटिव का, कि किस तरह से लोकोमोटिव कार्य करता है हम किस तरह से उसे देखते हैं। सबसे पहले ओवरहेड कंडक्टर होगा, वहाँ से सप्लाई आएगी पेंटोग्राफ के थ्रू, वो सर्किट ब्रेकर में जाएगी, सर्किट ब्रेकर के बाद वो ट्रांसफार्मर में जाएगी, फिर रेक्टिफायर एंड देन गिवन टू द स्मूथिंग रिएक्टर, एंड स्मूथिंग रिएक्टर प्रोवाइड द करेंट आर वोल्टेज इन डीसी सीरीज मोटर, एंड डीसी सीरीज मोटर इन वर्किंग व्हेन सप्लाई इज मीटेड डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर आर रनिंग एंड देन डीसी सीरीज मोटर आर रनिंग द व्हील आर रोटेटिंग इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन व्हेन डायरेक्शन वी आर गिव द सप्लाई। अगर हम इसके बात करें कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट फिगर से ही लिख सकते हैं कि हमारा जो पार्ट है, एक हमारा ओवरहेड कंडक्टर हो गया। पार्ट की बात करेंगे तो ओवरहेड कंडक्टर पहला पार्ट, दूसरा पेंटोग्राफ कंपोनेंट, तीसरा सर्किट ब्रेकर, चौथा इंसुलेटर, देन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, स्मूथिंग चोक,
एंड देन डीसी सीरीज मोटर एंड ड्राइविंग व्हील, ये इसके कंपोनेंट होते हैं जो हम लिख सकते हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन, ओवरहेड कंडक्टर, और दिस इज द ओवरहेड कंडक्टर रनिंग अलोंग द ट्रैक थ्रू विच हाई वोल्टेज एसी 22-25 वोल्टेज सप्लाई टू द ट्रैक्शन, मतलब यह सप्लाई प्रोवाइड कराता है। ओवरहेड के बाद हमारा पेंटोग्राफ है, सर्किट ब्रेकर है, ऑन लोड टैप चेंजर है एंड ट्रांसफार्मर है। पेंटोग्राफ की वर्किंग हमने आपको बताई है, पेंटोग्राफ किस क्या करता है, सर्किट ब्रेकर भी आपने पढ़ रखा है, सर्किट को मेक और ब्रेक करता है, प्रॉपर सप्लाई प्रोवाइड कराता है, कहीं कोई फॉल्ट आएगा तो ये उसको ब्रेक करेगा। ऑन लोड टैप चेंजर होता है, हम ब्रेकिंग सिस्टम भी यूज करते हैं रेलवे में इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसके लिए भी ये यूज किया जाता है हमें, या और ये भी कह सकते हैं वोल्टेज को अप और डाउन क्योंकि क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा एक पर्टिकुलर सप्लाई दे दिया, सिंपल स्टेप डाउन, अगर स्टेप डाउन की बात है स्टेप डाउन कर दिया, स्टेप अप का है स्टेप अप कर दिया। उसके बाद अगर ऑन लोड टैप चेंजर लगा है, जब हमारा लोड कंडीशन, क्योंकि अगर हमारी ट्रेन चल रही है तो लोड कंडीशन में होगी, और उसी लोड कंडीशन में टैप को जब चेंज करेंगे, लोड ही कंडीशन में हमें टैप को चेंज भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेक लगेगा तो हम लोडिंग कंडीशन में ही ब्रेक को मारेंगे, तो उसको ऑन लोड टैप चेंजर कहते हैं। अगर हम 100 वोल्ट पे है सीधा 80 पे ला देंगे, 60 पे ला देंगे, 20 पे ला देंगे, तो ऑन लोड टैप चेंजर का काम होता है। तो ये सिंपल वर्किंग होती है, यह सिंपल डीसी कंपोनेंट होते हैं किसके, लोकोमोटिव सेट के। लोकोमोटिव सेट आप ध्यान से देख लीजिए, डीसी सीरीज मोटर, रेल टैग, ड्राइविंग व्हील, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, स्मूथिंग रिएक्टर, रूफ इंसुलेटर, सर्किट ब्रेकर, पेंटोगा, ये तो इसके मेन कंपोनेंट है जो यूज हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से कंपोनेंट यूज होते हैं, उसकी बात हम आज नहीं कर रहे हैं, मेन मेन की बात कर ले रहे हैं। पेंटोग्राफ हमने आपको बता दिया, तो इस तरह से आपका ट्रैक्शन सिस्टम आज एंड होता है ये चैप्टर।